तो हम दोनों भी तो कितनी बातें करते हैं, बाहर जाते हैं, सैर करते हैं, खाते पीते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बोर हो जाती हूँ। कभी कभी मैं भी बोर हो जाता हूँ। इतना अरसा हो गया है कुरुतैन को गुजरे हुए, शावेस ने तो उसके नाम का जोक ही ले लिया है। आप उसे कुछ समझाएं, कितने अच्छे अच्छे रिश्ते मैंने दिखाए मगर वो राजी नहीं होता है। महविश, मैं तो उसे समझा समझा के तंग आ गई, न जाने क्या चाहता है वो। ऐसा भी क्या था कुरुतैन में, एक आम सी औरत ही तो थी। शावेस ने तो उसके नाम का ऐसा जोक लिया है, उसकी वजह से उसने मुझे रिजेक्ट किया। खैर अब वो बातें पुरानी हो गई हैं, मैं उस बात को भूल गई हूँ, लेकिन अब शावेस को अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए। मैं तो खुद हैरान हूँ कि वो क्या सोच रहा है। अलबत्ता उससे तनहा अपनी बेटी को पालते देखकर मेरा दिल दुखता है। दिल तो हमारा भी दुखता है, मगर क्या करें, शावेस किसी की बात सुनने और मानने को तैयार ही नहीं है। कुरुतैन की मोहब्बत ने वो बाकी सारे रिश्ते भूल गया है। ये मोहब्बत भी बड़ी बुरी चीज है, अपने साथ तबाही लाती है। मैं समझती हूँ मोहब्बत में भी इत्तेदाल होना चाहिए। हर चीज का हुसन इत्तेदाल में है। खाला बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। मेरी नंद की एक फ्रेंड है, बेचारी बेवा है लेकिन यंग है, अच्छी जॉब करती है। अगर शावेज मान जाए तो उसका भी घर बच जाएगा, और वैसे भी बेवा से शादी करना तो एक सवाब का काम होता है। शावेज क्या अब बुढ़ापे में शादी करेगा? मेरी तो खुद अकल हैरान है, कुछ समझ में नहीं आता कि उसके जहन में क्या चल रहा है, क्या चाहता है वो। चलो परी, आर्या से मिलने के लिए जाएंगे। आपने सोचा है आर्या के साथ कौन कौन से गेम्स खेलोगे? हाँ सोचा? कहाँ जा रही हो आर्या? मेरी इद्दत खत्म हो गई है ना, तो मैं और परी आर्या से मिलने के लिए जा रहे हैं। थोड़ी देर रुक जाओ, चांदनी आ जाएगी, फिर उसके साथ चली जाना। चांदनी अभी आएगी स्कूल से, थकी हुई होगी, उसमें कहाँ हिम्मत होगी कहीं जाने की। मैं और परी आराम से चले जाएंगे, आर्या हमारा वेट कर रही होगी। ठीक है चलो परी, अल्लाह हाफिज़। ज़ैनब, ज़रा हुरिया को ऊपर से बुला दो। हुरिया तो चली गई है। कहाँ चली गई?